साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, अब तक 104 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द होगा लागू, हर नागरिक के लिए समान कानून मसौदा 100 दिन में लाने की जमीन पर तैयारी। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी श्रीहरन का गांधी परिवार को संदेश, बोली मुझे उनके लिए बहुत दुख है। हेमंत विश्व शर्मा ने थरूर पर किया वार, बोले थरूर को वोट करने वाले नेताओं का भविष्य कांग्रेस नेता ने भी किया तीखा पलटवार। सबरीमाला प्रबंधन को केरल हाई कोर्ट का निर्देश, कहा तीर्थयात्रियों के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित करें। महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर कसा तंज, बोली दुष्कर्मी को संस्कारी ब्राह्मण कहने वाले को भाजपा ने दिया टिकट, यह है गुजरात मॉडल। सीएम नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की समीक्षा बैठक, बोले बिहार सरकार किसानों को हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह तत्पर है। बीजेपी ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा सीएम की कुर्सी हथियाने का प्लान कर रहे राजद के लोग, रचा जा रहा षड्यंत्र। राम रहीम की वैज्ञानिकों को चुनौती, रावण दुनिया के पहले सफल क्लोन ज्ञाता, आजकल वाले छोटी बातों पर अहंकार कर रहे। शुद्धता के लिए भाई बहनों की आपस में शादी पर रोक, केरल कोर्ट का फैसला, यह धार्मिक मामला नहीं, आप ये नहीं कर सकते। बॉर्डर पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले ड्रग्स हथियार के मामले हुए दुगने, बीएसएफ प्रमुख ने दी जानकारी। मजबूरी में पराली जला रहे किसान, सरकारों ने नहीं किए उपाय, एनएचसीआर ने दिल्ली पंजाब समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले खुद नहीं लड़ूंगा चुनाव पर जनता को बेहतर विकल्प जरूर दूंगा। शशि थरूर ने भाजपा पर कसा तंज, बोले जिनमें हिम्मत होगी वो कभी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रवासियों पर हमला, यूपी के 2 मजदूरों पर आतंकियों ने गोलियां चलाई, हालत गंभीर। बिजनौर में कुत्तों का आतंक, 5 दिन में 2 कोतवाल को काटा, लोगों ने प्रशासन से पकड़ने वाने की मांग की। जब सरजी स्कूल आएंगे तभी हम पढ़ेंगे, हेडमास्टर के निलंबन से नाराज बच्चे सड़क पर उतरे, बोले गुरुजी अच्छे, मैडम झूठ बोल रही। संबल में बुजुर्ग पर आवारा सांड ने किया हमला, मौके पर हुई मौत, शौच के लिए गए थे जंगल में, इलाज के दौरान हुई मृत्यु। बाल मेले की तैयारियों में जुटा प्राधिकरण, मुरादाबाद के हर्बल पार्क में लगेगा मेला, एमडीए ऑफिस में शुरू होगी मैराथन।
बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग, युवक की मौत। औरैया की वाल्मीकि कॉलोनी में तमंचे से चली गोली, मौत के बाद आरोपी फरार। लाइव वीडियो बनाते हुए नदी में कूदा युवक, प्रेमिका के भाई को की आखिरी कॉल, बोला तुम्हारी बहन ने धोखा दिया, मतलबी है वो। उत्तम शुगर मिल में गन्ना की तौल लगाई बंद, मुजफ्फरनगर में खाईखेड़ी के स्थानीय किसानों की मांग, हमारी अलग लाइन लगे। उन्नाव पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत, 13 से 19 नवंबर तक सुनाएंगे श्री भागवत कथा। औरैया में पत्नी से विवाद के बाद पति ने दी जान, बुजुर्ग मां बाप से अलग करना चाहती थी पत्नी, पुलिस ने लिया हिरासत में। निकाय चुनाव में 100% जीत की तैयारी में भाजपा विरोधी पार्टियों की तैयारियों पर गड़ाई निगाहें, बैठकें कर बदली रणनीति। हमीरपुर का मौदाहा बांध बनेगा टूरिस्ट प्लेस, वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी मिलेगी सुविधा, 15 करोड़ से होगा कायाकल्प। शामली में बाइक से गिरकर महिला घायल, रात को कैराना से लौटते समय हादसा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। अग्निवीर सेना भर्ती में फर्जी अभ्यर्थी अरेस्ट, बदायूं का प्रदीप फर्जी तरह से बरेली में देखने पहुंचा था भर्ती, मार्कशीट जांच में मिली फर्जी। अयोध्या 60% अस्पतालों में इलाइजा किट में जांच, डेंगू के नाम पर निजी अस्पताल कर रहे मोटी कमाई। उन्नाव में दो पक्षों में मारपीट, कुलहाड़ी बाके से हमला, घर के सामने दोना फेंकने खूनी संघर्ष, दोनों तरफ की महिलाएं समेत 10 लोग घायल। मुरादाबाद में नए एसएसपी हेमराज मीणा ने लिया चार्ज, हेमंत कुटियाल की जगह भेजे गए आईपीएस मीणा, सुबह पहुंचे मुरादाबाद। देवरिया में निजी जमीन पर बनवा दिया सामुदायिक शौचालय, पूर्व ग्राम प्रधान सेक्रेटरी पर मुकदमा दर्ज। छह दिन से लापता युवक का शव कुएं में मिला, फतेहपुर की घटना, भतीजे ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप, बदबू आने पर पता चला। इटावा के चंबल पुल पर डीएम एसएसपी का निरीक्षण, लोडेड वाहनों को पेपर चेक किए, मोरंग लदे ओवरलोड दो डंपर सीज किए। सहारनपुर में कांग्रेस नेता को धमकी देने वाला खच्चर गिरफ्तार, वीडियो वायरल कर दी थी जान से मारने की धमकी, आरोपी पर दर्ज है 25 मुकदमे। परिवहन मंत्री ने मऊ बस स्टेशन पर देखी सुविधाएं, खामियां मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार, निलंबन की दी चेतावनी। मिर्जापुर में युवक की हत्या मामले में 6 गिरफ्तार, विवादित जमीन पर कचरा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई है एफआईआर। चंदौली में एसयूवी कार में गोवंश बरामद, स्कॉर्पियो से कर रहे थे तस्करी, 4 जिंदा गोवंशों को छुड़ाया, एक तस्कर गिरफ्तार। सीतापुर में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट पीट कर मार डाला, जमीन विवाद में पीट कर किया अधमरा, लखनऊ में इलाज के दौरान तोड़ा दम। जालौन में कागज फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे मशक्कत कर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर राख।
आगरा में भीषण सड़क हादसा, 3 बाइक सवार लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर मौत। औरैया में दबंगों ने थाने के पास दलित युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, दलित की बीच सड़क पर होते पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिसोदिया को मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी, इंटरनेट कॉल के जरिए दी गई धमकी। कोंडा ने एक बार फिर हुई तेंदुए की दस्तक, तेंदुए की आहट से इलाके में लोगों में दहशत। अलीगढ़ के महेंद्रनगर में रंगदारी को लेकर युवक ने की फायरिंग, घटना का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड की जेलों पर बढ़ रहा कैदियों का भार, कुल क्षमता 3,741 और रखे गए 7,075। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में भाजपा, टूट सकते हैं कई नेता। उत्तराखंड में कांग्रेस में लंबे समय से खींचे खींचे चल रहे प्रीतम सिंह अब करेंगे शक्ति प्रदर्शन। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप से अलार्म गायब, दो बार भूकंप आने पर भी नहीं किया सतर्क। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से मिलेंगे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मसूरी में कर रहे फिल्म की शूटिंग। राजस्थान में सड़क हादसे में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव में छाया मातम। उत्तराखंड के देहरादून स्थित बाड़िया संस्थान के निदेशक की पत्नी से ठगे पैसे, 8,00,000 रुपए मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के रुड़की में दो युवकों ने एटीएम तोड़ने का किया प्रयास, सीसीटीवी में हुए कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुत्र वधु और उसके जीजा पर अवैध संबंध में बाधा बने पुत्र की हत्या का आरोप, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। भूकंप के झटके हिमालयी क्षेत्र में दे रहे बड़े खतरे का संकेत, हर साल 51 सेमी की दर से खिसक रही इंडियन प्लेट। उत्तराखंड के नैनीताल में पति और बेटे दोनों के दावे निकले झूठे, 5वें दिन वृद्धा का अंतिम संस्कार, संपत्ति हड़पने की साजिश पर ब्रेक। उत्तराखंड में नमामि गंगे से दून को 175 करोड़ की सौगात, घरेलू अपशिष्ट को शोषित करने की योजना में शामिल। घोटालों पर भड़के रामदास, कहा 500 करोड़ का खपला हुआ है, अफसर कहें उनकी कोई गलती नहीं। कमीशनखोरी पर भाजपा नेता और पूर्व सीएम राउत का बयान हुआ वायरल, बोले यह कहने में कोई हिचक नहीं। छावला में हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उठाई आवाज, बोले न्याय दिलाने के लिए आगे आए सरकार। अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन, सीनेट में बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का कंट्रोल।
रूसी सेना ने खेरसौन तो छोड़ा लेकिन जाते जाते सब बर्बाद कर दिया। वीडियो संदेश में बोले जेलेंस्की। इमरान खान ने पीएम सहवाज पर साधा निशाना, कहा लंदन में हो रहा अगले पाक सेना प्रमुख पर फैसला। लंदन से पाकिस्तान लौट सकते हैं नवाज शरीफ, अगले आम चुनावों में करेंगे पार्टी का नेतृत्व। पेरिस जलवायु समझौते से हटने पर बाइडेन ने मांगी माफी, कहा अमेरिका फिर जलवायु परिवर्तन नेतृत्व को तैयार। अमेरिका में एयर शो के दौरान दो प्लेन टकराए, जमीन पर गिरते ही ब्लास्ट, विमानों में सवार सभी छह लोगों की मौत। चीनी नागरिक सीक्रेट भाषा में सरकार का विरोध कर रहे, जीरो कोविड पॉलिसी से खफा जनता लोकतंत्र का समर्थन कर रही। ब्रिटेन में रहने वाले भारत वंशियों को पीएम सुनक से उम्मीद, ऋषि ब्रिटेन की आर्थिक सेहत सुधारें। रूसी सैनिकों के हटने के बाद खेरसौन में जश्न का माहौल, यूक्रेन में वापस लौट रही पुलिस। मिस्र में बस नहर में गिरने से 21 यात्रियों की मौत, स्टीयरिंग व्हील फेल होने से हुआ हादसा। ब्लूटिक से फार्मा कंपनी को 1,20,00,000 घाटा, फर्जी वेरीफाइड अकाउंट ने ट्वीट किया, अब इंसुलिन फ्री कंपनी के शेयर गिरे। दिवालिया हुई क्रिप्टो कंपनी एफटीएक्स, सीईओ बैकमैन ने नेटवर्थ $16 बिलियन से जीरो, बिजनेसमैन की वेल्थ अब तक सबसे बड़ी गिरावट। गौतम अडानी जल्द बनेंगे एनडीटीवी के मालिक, अडानी ग्रुप ने ओपन ऑफर के लिए नई डेट अनाउंस की। स्टीव जॉब्स की 42 साल पुरानी सैंडल होगी नीलाम, 64 लाख रुपए में ज्यादा मिलने की उम्मीद, 13 नवंबर तक होगा ऑक्शन। सोने चांदी में शानदार तेजी, सोना 52,000 और चांदी 61,000 के पार हुई, आगे भी जारी रह सकती है तेजी। किंग चार्ल्स ने किया कर्मचारियों की आर्थिक मदद के लिए बड़ा फैसला, अपनी कमाई से बांटेंगे बोनस। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आने वाला दशक डेकेड होगा, हमें आगे ले जाएगा। अक्टूबर में महंगाई दर 7% से नीचे रह सकती है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का अनुमान। क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स से करोड़ों डॉलर हुए गायब, कंपनी बोली कोल्ड वॉलेट से ट्रांसफर कर रहे एक्सचेंज। एलन मस्क ने बेचे टेस्ला के 19.5 मिलियन शेयर, $200 अरब के क्लब में से हुए बाहर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पर इरफान पठान का पलटवार, कहा हम अपनी खुशी से खुश होते हैं और आप दूसरों की तकलीफ में। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के 2 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा।
आदित्य ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले झारखंड के पहले शूटर बने। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल की जगह शिखर धवन को बनाया कप्तान। कोच से अनिल कुंबले की छुट्टी। महेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने आईपीएस संपत को पेश होने का दिया आदेश। विराट सूर्य प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में बटलर समेत इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी, पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी भी नॉमिनेट। भारत की तरह पाकिस्तान से नहीं मिलेगा वॉक ओवर। शुएब अख्तर ने दी इंग्लैंड को चेतावनी। फाइनल मुकाबले में पहले आईसीसी ने लिखा बड़ा फैसला। बारिश से निपटने के लिए मैच में जोड़ा 90 मिनट का अतिरिक्त समय। न्यूजीलैंड दौरे पर बीबीएस लक्ष्मण विक्रम राठौर की जगह ऋषिकेश कानिटकर को मिली कोचिंग की जिम्मेदारी। वर्ल्ड कप फाइनल में परफॉर्म करेंगी 13 साल की जानकी। 6 साल की उम्र में संगीत सीख रही, फैमिली में सभी सिंगर हैं। ट्रोलर्स के निशाने पर मलाइका अरोड़ा। बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर संग डिनर डेट पर हुई स्पॉट। यूजर्स बोले सुबह सिद्धांत की शोक सभा और अभी डिनर। नहीं रहे मिस्टर नटवर लाल के डायरेक्टर राकेश कुमार। कैंसर से जंग लड़ने के बाद 81 साल की उम्र में हुआ निधन। एयरपोर्ट पर दिखी कृति सेनन कैजुअल लुक में आई नजर। फैंस के साथ क्लिक कराई सेल्फी। तलाक की खबरों के बीच शुएब सानिया का टॉक शो पोस्टर वायरल हुआ। पाकिस्तान चैनल ने कहा जल्द आएगा मिर्जा मलिक का शो। कस्टम ऑफिसर ने बताया मामले का सच। शाहरुख ने नहीं, बॉडीगार्ड ने तोड़े थे कस्टम रूल्स। किसी से भी नहीं हुई पूछताछ। अक्षय ने कनाडाई नागरिकता पर दिया जवाब। विदेशी पासपोर्ट होने का ये मतलब नहीं कि मेरी भारतीयता किसी से कम है। हेराफेरी 3 में अक्षय की वापसी की हुई मांग। कार्तिक की एंट्री से नाराज हुए फैंस, कहा फिल्म हो जाएगी फ्लॉप। मां के साथ इंडियन लुक में दिखी शिल्पा शेट्टी। मुंबई एयरपोर्ट पर ईशा गुप्ता, नीतू कपूर समेत कई सेलेब्स आए नजर। जूनियर एनटीआर ने कराया मेकओवर। फैंस बोले एनटीआर 30 के लिए पैन इंडिया स्टार का नया लुक। अनन्या पांडे ने आर्यन खान को बर्थडे विश किया। बचपन की तस्वीर शेयर कर दी बधाई, कहा मेरा पहला और सबसे अच्छा दोस्त। शतक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।